भिलाई जायसवाल समाज का वार्षिक चुनाव सभी सदस्यों के बीच संपन्न हुआ, जिसमें राजकुमार जायसवाल निर्विरोध अध्यक्ष चुने गए। साथ ही उन्होंने अपनी कार्यकारिणी की घोषणा भी मंच के माध्यम से की। भगवान सहस्त्र बाहु के वंशज जायसवाल समाज के भिलाई इकाई का चुनाव वरिष्ठ जनों के सम्मान के साथ संपन्न हुआ। अध्यक्ष पद के लिए कुल 3 दावेदार मैदान में थे, जिसमें से 2 दावेदारों ने अपने नाम वापस ले लिए, जिससे तीसरे नाम के तौर पर राजकुमार जायसवाल निर्विरोध अध्यक्ष चुने गए। चुनाव के मौके पर पिछली टीम के अध्यक्ष सुनील जायसवाल और उनकी टीम ने नव निर्वाचित अध्यक्ष राजकुमार जायसवाल को बधाइयां दी और हमेशा साथ साथ चलते हुए समाज के उत्तरोत्तर विकास की दिशा में कार्य करने का भरोसा दिलाया। मंच पर सर्वप्रथम पुरानी कार्यकारिणी के द्वारा किए गए उत्तम कार्यों के लिए जहां सभी का सम्मान एक एक कर फूल मालाओं से किया गया, वहीं समाज के वरिष्ठ लोगों को भी सम्मानित किया गया। चुनाव की प्रक्रिया पूर्ण होने के पश्चात नव निर्वाचित समाज के अध्यक्ष राजकुमार जायसवाल का भी सम्मान सभी सदस्यों द्वारा किया गया। उसके बाद नए अध्यक्ष द्वारा निर्वाचित किए गए नई कार्यकारिणी के सदस्यों का भी गर्मजोशी के साथ सम्मान किया गया। नव निर्वाचित अध्यक्ष ने जहां समाज को आगे और बुलंदियों पर पहुंचाने की बातें कही, तो वहीं वरिष्ठ उपाध्यक्ष और सचिव ने नए अध्यक्ष की कार्यकुशलता और दूरदर्शिता को सर्वश्रेष्ठ बताते हुए कंधे से कंधा मिलाकर समाज के लिए बेहतर कार्य करने की बातें कही हैं। साथ ही पूर्व अध्यक्ष ने भी शुभकामनाएं देते हुए नए अध्यक्ष पर भरोसा जताया है कि राजकुमार जायसवाल समाज को एक नई दिशा प्रदान करेंगे। देखिए, विगत 3 सालों में समाज के सारे लोगों के सहयोग से बहुत सारे कीर्तिमान हम लोगों ने हासिल किए हैं। बहुत सारी ऐसी नई कोशिशें की गई है। समाज में कम 267 परिवारों को जोड़ा गया है, सदस्यों को मिलाया गया है। रजिस्ट्रेशन के कार्य को पिछले 15 साल से उसको अपने प्रगति पे किया गया है। समाज के भवन का नवीनीकरण किया गया है। समाज में हमने 1 या 2 ऐसे प्रोग्राम किए गए हैं। समाज में युवा अध्यक्ष, महिला अध्यक्ष, सारे तीनों टीम ने मिल करके जो है भिलाई में जायसवाल समाज के लिए बहुत सारे कीर्तिमान हासिल किए हैं। और यही अपेक्षा जो है हम नई समिति और राजकुमार जायसवाल जी की जो कार्य समिति और अध्यक्षता में जो अभी पूरी टीम बनी है, मेरा उन सभी को बहुत सारा मेरा सहयोग और मैं कहता हूँ उन सभी को मेरी शुभकामना है कि वो भी इसी स्तर पे कार्य करें। मैं पद से विमुक्त हुआ हूँ लेकिन कर्तव्य से विमुक्त नहीं हुआ हूँ, तो कर्तव्य के हिसाब से जो है मेरा जायसवाल समाज में हमेशा सहयोग रहेगा। देखिए, भिलाई नगर में जायसवाल समाज बहुत बड़ी संख्या में यहाँ पर निवासरत है और हजारों की संख्या में हम यहाँ परिवार साथ रहते हैं और एक समाज को सही दिशा देने के लिए आप भी जानते हैं समय समय पर उसके क्रियाकलाप होते रहते हैं, कार्यक्रम होते रहते हैं। एक मुखिया का चुनाव आवश्यक होता है। इसी तारतम्य में आज समाज के समस्त लोगों ने मिलकर आज राजकुमार जायसवाल जी को जायसवाल कल्याण समिति का आज अध्यक्ष चुना है। हम सभी उनको मिलकर बधाइयाँ देते हैं। हम सब उम्मीद करते हैं उनके कार्यकाल में हमारा समाज खूब तरक्की करे, खूब उन्नति के रास्तों पर चलेगा और राजकुमार जायसवाल समाज के सभी लोगों को लेकर चलेंगे और सभी लोगों को ध्यान रखेंगे। समाज का कार्यक्रम हमारा पहले भी बहुत बढ़िया चलता रहा है। मुझसे पहले हमारे जायसवाल समाज के 4 अध्यक्ष रह चुके हैं, जिसमें सबसे पहले हमारे वर्तमान में अभी जो जिला शिक्षा अधिकारी हैं अभय जायसवाल जी, वो हमारे 2007 में पहले अध्यक्ष थे। उसके बाद में हमारे जुगल जायसवाल जी अध्यक्ष बने, दीपक भैया बने, उसके बाद अभी वर्तमान में सुनील भैया हमारे अध्यक्ष थे। चारों हमारे जो अध्यक्ष हैं उनके साथ में कार्य करने का मुझको अवसर प्राप्त हुआ और उनसे जो है मैंने काफ़ी कुछ सीखा है। मैं उस अपने अनुभव को अपने समाज अनुभव के द्वारा अपने समाज को लाभ दिलाने का प्रयास करूंगा। उनके द्वारा साथ किया गया काम मेरे काम आएगा और उसी के आधार पे मैं अपने समाज को लाभ दिलाने का काम करूंगा। और मैं आभार व्यक्त करूंगा हमारे समाज के उन 2 सदस्यों का जिन्होंने नामांकन भरा था और मेरे समर्थन में अपना नामांकन वापस लिया। समाज को मजबूत बनाने की दृष्टि से, समाज में एकता बनाए रखने की दृष्टि से हमारे अनु जायसवाल जी और हमारे प्रकाश भैया ने हमारे समर्थन में जो समर्थन अपना दिया है उसके लिए मैं उनका विशेष आभार व्यक्त करूंगा और आगे जो है मैं अपने समाज को आगे ले जाने का पूरा प्रयास करूंगा। हम लोग समाज के लिए हर संभव काम करने को तैयार हैं और करते रहेंगे और हमारे संरक्षक जो समिति के हैं उनके मार्गदर्शन में, हमारे अध्यक्ष जी के मार्गदर्शन में, हमारे महामंत्री के मार्गदर्शन में सुचारू रूप से हम लोग काम करेंगे और जितना अच्छा हो सके, बेहतर हो सके वैसा काम समाज के लिए करके दिखाएंगे। हमारे आदरणीय हैं और भैया के साथ मिलके हम लोग बहुत अच्छा तालमेल मिला के काम करेंगे, ऐसा मेरा
निजी विचार है। विज़न ये लेके चल रहे हैं कि जायसवाल समाज को एक स्टेप और आगे लेके जाएंगे और सबको एकजुटता बना के, जो भी हमारे कलार समाज के लोग हैं उनको सबको एकजुटता में लेके, और महिलाएं हैं जो और युवा हैं उनको सबको एक साथ लेके एक स्टेप आगे बढ़ाना है जायसवाल समाज को, और उन जायसवाल समाज की जो है पहचान को ऊपर लेके आना है। भविष्य में हो सकता है कि अगर हम लोग का सबका बढ़िया सपोर्ट रहेगा तो राजनीतिक पैठ में भी हम लोग कहीं ना कहीं एंट्री लेंगे, और जो कि एक अच्छा विचार है कि होना चाहिए। और जैसे कि इस भैया हम लोग के बहुत ही आदरणीय हैं और सर्वसम्मति से इनको अध्यक्ष पद मिला है, और हम इनके साथ में मिलकर बहुत अच्छा काम करेंगे और इनके साथ में तालमेल मिलाकर सब जगह पे हम अच्छे अपना अच्छा प्रदर्शन करें। अब तक जायसवाल समाज भिलाई के सभी अध्यक्षों द्वारा समाज के हित में अच्छे और बड़े कार्य किए गए हैं, और जायसवाल समाज के सभी सदस्यों ने नवनिर्वाचित अध्यक्ष राजकुमार जायसवाल पर भी पूरा भरोसा जताया है कि वे भी समाज को एक नई दिशा प्रदान करेंगे। ACN न्यूज़ के लिए भिलाई से संतोष शर्मा की रिपोर्ट।